I know it's tough to stay at home. I know it's tougher to work from home. And it's even toughest not to meet your loved ones and family. Stay home, India. But when it comes to keeping your family safe, keeping your loved ones safe, and to do it, stay home, India. क्यों ना आज घर पे ही डांस प्रैक्टिस किया जाए? Stay home, India. क्यों ना आज चाय की दुकान में ना जाके घर में चाय बना के पी. उन्हें आज घर पे ही बैठ के पढ़ाई करें. Stay home, India. क्यों ना आज बस थोड़ी सी दूर रह कर ही करें. क्यों ना आज प्यार की बातें घर बैठे ही कर ले. Stay home, India. क्यों ना हाथ मिलाने की जगह हाथ जोड़ ले. नमस्ते इंडिया. Stay home, India. क्यों ना आज बाहर ना जाके घर से कुछ गेम्स खेल लिया जाए. Stay home, India. जय. क्यों ना आज घर पे ही बैठे बैठे हम अपने आप को पहचानें. Stay home, India. क्यों ना आज अपने हाथों को अच्छे से धो के सैनिटाइज किया जाए. मैं आपसे एक चीज करना चाहता हूँ कि क्यों ना आज बाहर जाकर गपशप करके चाय पी के मस्ती मार के घूम के आने के बजाय घर पे बैठ के मार के साथ बात की बात थोड़े पिताजी के साथ वो बातें सुनो जो आपने बहुत कम बार की. क्यों ना आज थोड़ा बहुत घर वालों को दिया किसी के लिए दी से बच के रहिए होशियार रहिए और सावधान रहिए. और ये आपके लिए नहीं आपके परिवार के जरूरी है कि आप घर पर क्योंकि आप कैरियर भी बन सकते हैं. राम राम दोस्तों. अभी तो कोरोना के चलते लॉकडाउन चल रहा है पर इस लॉकडाउन का सबसे अच्छा प्रयोग हम लोग कर सकते हैं कसरत योग और प्राणायाम कर सकते हैं अपने शरीर को सुदृढ़ बनाकर. अब हम दैनिक जीवन की तरह बहाना नहीं बना सकते हैं कि हमें कुछ समय नहीं मिलता. इसके साथ ही अगर हम राजमा हरी मूंग चना जैसे सूखे भोजन पदार्थों का प्रयोग करें और उन्हें घर में एकत्रित करके रखें तब हम दैनिक रूप से घर से बाहर निकलने से बचेंगे और लॉकडाउन का और अच्छे से प्रयोग हो पाएगा. धन्यवाद. तो देखिए दोस्तों ये शायद बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये घड़ी बहुत मुश्किल है पर हाँ इतना भी मुश्किल नहीं कि हम लोग अपने आप को और अपने परिवार की जान की दाव लगा दें. स्टे होम इंडिया. बी सेफ एंड प्लीज डू नॉट गो आउट.